कुछ लोगों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया है कि मधुनाशिनी पे भी एक वीडियो बनाइए, उस पे एक रिव्यू करिए। एमवे का जो मधुनाशिनी आता है, क्या वो अच्छा प्रोडक्ट है, क्या सबको लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा और वो इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसाइड कर पाएंगे कि मधुनाशिनी जो है उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये वीडियो बनाने के पहले मैंने काफी रिसर्च किया है और जितने भी फैक्ट्स, जितने भी बेनिफिट्स, जो भी चीज मैं आपके सामने रखूंगा, वो सारे चीज जो है वो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे ही होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारे आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वो सारे फैक्ट्स जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आप और जानकारी लेना चाहते हैं मधुनाशिनी के बारे में तो उन सारे आर्टिकल्स को पढ़ के आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं मधुनाशिनी के बारे में। मधुनाशिनी जो है वो बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं और उनमें से एक कंपनी जो है वो एमवे है। एमवे का मधुनाशिनी जो है काफी फेमस है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या जो वो दावे करते हैं कि इतना सारे बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, कितना सच्चाई है इसके बारे में। तो दोस्तों, मधुनाशिनी जो है उसको हम साइंटिफिकली जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सारे बेनिफिट्स आप लोग को बताऊंगा और सारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ डिस्कस करूंगा। तो मैंने काफी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैंने ये देखा है कि जिम्नेमा जो है उसमें जिम्नेमिक एसिड होता है और जिम्नेमिक एसिड जो होता है वो आपकी शुगर क्रेविंग को जो है वो कट डाउन कर देता है या स्टॉप कर देता है। तो यानी कि अगर आप मधुनाशिनी का टैबलेट खाना खाने के पहले अगर आप मुंह में रख के चबा के उसको खाते हैं और उसके बाद अगर आपका कोई भी फेवरेट डिश आप खा के देख सकते हैं, जैसे कि केक हो गया, पेस्ट्री हो गया या कोई भी फ्रूट जूस हो गया, जो आपको पहले मीठा लगता था, जब आप मधुनाशिनी के टैबलेट को उस खाने को चीज के पहले खाते हैं तब आप उसके बाद खाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका वो जो केक है जो मीठा लग रहा था पहले, वो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। वो आपको अजीब टाइप का टेस्ट आएगा और आप उस चीज़ को नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, मधुनाशिनी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आप इसको खाएंगे तो आपका शुगर क्रेविंग जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा और अगर आप इसको रेगुलरली लेते रहेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद जो है शुगर का क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको जो बार बार अनाप शनाप खाने का मन करता है, केक, पेस्ट्री या फ्रूट जूस या चॉकलेट या इस तरह के बहुत सारे अनाप शनाप जो मीठा चीज़ आपको खाने का मन करता है, वो आपकी क्रेविंग बिल्कुल ही चला जाएगा क्योंकि उसको लेने के बाद जब आप इसको खाएंगे तो उसका टेस्ट ही आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी रिसर्च पेपर मैंने निकाला है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ आप लोग जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको और विस्तार में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट जो मधुनाशिनी का मुझे रिसर्च के बाद पता चला वो है कि एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव सप्लीमेंट हो सकता है जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है। जब आप मधुनाशिनी लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और वो कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। और ये होता कैसे है, जब आप मधुनाशिनी लेते हैं उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो खाने में जो ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन को वो रोक देता है, यानी कि वो कुछ रिसेप्टर्स में जाके काम करता है और रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपके इंटेस्टिन में जो है वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन काफी हद तक कम हो जाता है। और जब आपके इंटेस्टिन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो यानी कि वो ब्लड सर्कुलेशन में भी नहीं जाएगा और जब ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, रिसर्च तो यही बता रहा है कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप लगातार मधुनाशिनी लेते हैं तो इससे ये देखा गया है कि अगर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल हाई आता है तो उसको भी कंट्रोल करने में, उसको भी कम रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ अगर पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज भी आपका हाई आता है तो उसको भी कंट्रोल करने में मधुनाशिनी बहुत हद तक मदद करता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप मधुनाशिनी लगातार लेते हैं और आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा
तो डायबिटीज के जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है उससे भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसको गुरमार भी कहा जाता है। गुरमार का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर। तो दोस्तों मेरे रिसर्च में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला मधुनाशिनी के बारे में, और वो ये है कि मधुनाशिनी अगर आप लेते हैं तो वो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है, वो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और अगर आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल की कमी है या फिर इंसुलिन इनसेंसिटिव है तो वो इंसुलिन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में मदद करता है, और ये भी देखा गया है कि आपके बीटा सेल रीजेनरेशन में भी मदद करता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया कि आपके बॉडी जो है ठीक तरह से इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो उन केसेस में भी मधुनाशिनी जो है अच्छा इफेक्टिव रहेगा। बहुत सारे केसेस में जो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस बीटा सेल को रीजेनरेट करने में भी मधुनाशिनी मदद करता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो मधुनाशिनी लेने के बाद आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये सारे चीज जो है मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जो रिसर्च करके निकाला है उसके आधार पे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारे चीज जो मैंने अभी आपको बताया है जिस पेपर से मैंने लिया है वो सारे पेपर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं और डिटेल में भी इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों मेरे रिसर्च में ये भी निकला है कि मधुनाशिनी जो है सिर्फ डायबिटीज में ही काम नहीं आता है, सिर्फ आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए नहीं काम आता है, मधुनाशिनी जो है वो एक इफेक्टिव हर्ब है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, आपके ट्राइग्लिसराइड को घटाने में, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। तो ये सारे चीज भी काफी रिसर्च पेपर में देखा गया है। और मधुनाशिनी का एंटी ओबिसिटी प्रॉपर्टीज भी है, यानी कि अगर आप इसको लेते हैं तो जिन लोगों को मोटापे का शिकायत है तो उनके लिए भी मधुनाशिनी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि आज के डेट में हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर है, या तो उनके कोलेस्ट्रॉल हाई होंगे या फिर ट्राइग्लिसराइड हाई होंगे, और जब आपके ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, जैसे कि हार्ट अटैक होना या और बहुत सारे दिल के बीमारी होना जैसे एंजाइना हो गया। तो दोस्तों अगर आप मधुनाशिनी लेते हैं तो ये आपके एलडीएल को भी घटाता है, आपके ट्राइग्लिसराइड को भी घटाता है, जिसके कारण आपके लिपिड प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और जब आपके लिपिड प्रोफाइल अच्छा होगा तो आपको कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने का भी चांसेस कम रहेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये वेट लॉस रिडक्शन में भी मदद करता है, लेकिन जो स्टडीज़ मुझे मिले वो ज़्यादातर एनिमल स्टडीज़ है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता। अभी उतना ह्यूमन ट्रायल्स नहीं है हमारे पास कि मैं आपको एक कंफर्म बता सकूं कि ये वेट लॉस में उतना इफ़ेक्टिव है या नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉमिसिंग हर्ब हो सकता है क्योंकि एनिमल स्टडीज़ में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। बहुत सारे रैट स्टडीज़ में ये देखा गया है कि वेट लॉस में मधुनाशिनी जो है हेल्प करता है। दोस्तों इसका एक और बेनिफिट मुझे बहुत सारे पेपर्स में मिला, और वो ये है कि ये इन्फ्लेमेशन में भी मदद करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन के कारण आपके बॉडी का हीलिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, खास करके जो लोग डायबिटिक है उनमें तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है जिसके कारण उनकी बॉडी हील नहीं हो पाती है ठीक से, या कुछ ना कुछ बीमारी उनको लगा रहता है। तो दोस्तों जब आप मधुनाशिनी लेंगे तो ये आपको इन्फ्लेमेशन के साथ लड़ने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा। अब बारी आते हैं क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है। बिल्कुल साइड इफेक्ट है, अगर आप इसको अपने डायबिटिक ड्रग्स के साथ लेते हैं तो दोस्तों आपको लो ब्लड शुगर भी हो सकता है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए जिसके कारण आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा राय ये है कि आप मधुनाशिनी को अपने से कभी भी मत लीजिए, खास करके अगर आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं,
क्योंकि आपके शुगर लेवल कभी भी बहुत कम हो सकता है और वो एक डेंजरस सिचुएशन हो सकता है आपके लिए। तो इसीलिए जब भी मधुनाशिनी आप ले, अपने डॉक्टर के साथ, अपने कोच के साथ संपर्क करके जरूर लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्टर ही आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको मधुनाशिनी के साथ आपको कौन सी और दवाई लेनी चाहिए, या उसको कम करना चाहिए उसके डोजेस, या उसको बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, मधुनाशिनी सप्लीमेंट बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, आप लोग ले सकते हैं, ये रिसर्च में भी ये देखा गया है, लेकिन अपने से ये सप्लीमेंट कभी भी ना ले। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही मधुनाशिनी को ले। अगर आप बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्लीज इसको मत लीजिए, इस सप्लीमेंट को, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और कुछ लोगों में कुछ और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि उनको चक्कर आना, डिजीनेस आना, या उनको घबराहट होना, तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स जो है कुछ लोगों में हो सकता है। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मधुनाशिनी का सेवन करें। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मधुनाशिनी जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा हर्ब है और आप सबको लेना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानी बरतने के बाद। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।